हापुड़ जिले में 4,77,000 घरों पर फहराएगा राष्ट्रीय ध्वज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। इस वक्त की खास और अहम खबर हापुड़ से आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना न भूले। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने की खुशी में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के प्रति लोगों में उत्साह है। इसके तहत 11 अगस्त से 17 अगस्त तक आयोजित होने वाले स्वतंत्रता सप्ताह, हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां भी जोरों पर हैं। जिले के निजी आवासों के साथ सरकारी कार्यालयों और ऐसे ही अन्य परिसरों पर 4,77,000 तिरंगे लगाए जाएंगे। शासन से मिले निर्देशों के तहत सरकारी कार्यालयों पर 13 से 15 अगस्त तक खादी से बना तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। गैर सरकारी भवन पर स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान 11 से 17 अगस्त तक तिरंगा झंडा फहराया जा सकता है। इसके लिए स्वयं सहायता समूह जेल में बंद बंदियों की सहायता ली जा रही है। जिले में कुल 1,92,563 आवास हैं। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों और परिसरों की संख्या 1,380 है। सरकारी और गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में से 111 को चिन्हित किया गया है। वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों की संख्या की बात करें तो यह 6,100 है। इसके अलावा अन्य प्रतिष्ठानों की संख्या 21,380 है। इन सभी पर विभिन्न विभागों को तिरंगा फहराने और लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस लाइन, थाना चौकी, कारागार, कृषि विज्ञान केंद्र, उद्यान, मत्स्य प्रक्षेत्र, मंडी परिषद, सहकारी समितियां, पशु चिकित्सालय, राजकीय अतिथि गृह, स्टेडियम, पार्क, चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अमृत सरोवर, पंचायत भवन, विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थान, बस, रेलवे स्टेशन, जन सुविधा केंद्र, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि विभिन्न सरकारी गैर सरकारी भवनों परिसरों में खादी निर्मित झंडे ही फहराए जाएंगे। डीपीआरओ वीरेंद्र सिंह ने बताया कि लोगों को तिरंगा लेने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए विभिन्न स्थानों पर तिरंगे मुहैया कराए जाएंगे। हर घर में तिरंगा निशुल्क मुहैया कराने की जिम्मेदारी निर्धारित कर दी गई है। इनमें राशन डीलर, ग्राम प्रधान, जनसेवा केंद्र संचालक, आंगनबाड़ी, सरकारी शिक्षकों को घरों तक तिरंगे पहुँचाने की जिम्मेदारी होगी। शहर में सभासद आदि को भी इस जिम्मेदारी दी गई है। बहरहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें हमारे साथ।